हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज आप लोग देख रहे होंगे यार बॉक्स में मैं क्या लेके बैठा हूँ। तो बॉक्स में है मेरे पास IPH कार की तरफ से आने वाला प्रोजेक्टर जो कि लो बीम एंड हाई बीम दोनों में वर्क करता है। यहाँ पे कुछ हमें इस टाइप के प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं, एक ये रहा। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसमें क्या कुछ लग सकता है, यहाँ पर आपको HID भी लग सकती हो, यहाँ पर आप अगर हैलोजन बल्ब भी लगाना चाहें तो वो भी आप इसमें लगा पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप मेंशन देखेंगे 24 वाट और 12 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको 35 वाट मेंशन किया हुआ। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी कितने भी वाट की LED लगा सकते हैं, 180 वाट, 160 वाट, 150 वाट, 200 वाट, समथिंग जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, तो कि आप XYZ किसी भी कार में लगा सकते हैं, जहाँ जिस कार में आपको 3 इंच के फॉग लैंप देखने को मिलते हैं। इसमें एक वेरिएंट देखने को मिलता है हमें 2.5 इंच का और एक देखने को मिलता है 3 इंच का। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक 2.5 इंच और एक 3 इंच। यहाँ पे आप जैसे कि ऑफर तो काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं, ट्राई कलर वाला जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, ये रहा हमारा 2.5 इंच और ये है हमारा 3 इंच। तो समथिंग ये 3 इंच उसमें लगता है, जो 3 इंच सपोर्टेबल होता है, बाकी 2.5 इंच तो आता है कुछ गाड़ियों में। यहाँ पे जैसे कि अगर बात की जाए इसमें लो बीम एंड हाई बीम, बाकी आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि इसका इंस्टॉलेशन आपको कैसे करना कैसे नहीं। ये हमारा प्रोजेक्टर हो गया, बाकी यहाँ पे जो भी कनेक्शन वगैरह देने होते हैं फॉग लैंप से लग जाते हैं। और यहाँ पे लो बीम हाई बीम के लिए यहाँ पे ब्लैक कनेक्ट विद नेगेटिव पोल ऑफ हाई बीम और यहाँ पे रेड कनेक्ट विद पॉजिटिव पोल ऑफ हाई बीम, मतलब इसी हिसाब से आपको करना होता है। बाकी आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि आप बिना मैकेनिक के, बिना इलेक्ट्रिशियन के आप आराम से अपनी कार में इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको M612 विथ क्लियर लेंस आपको देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप की इसकी अनबॉक्सिंग थी। बाकी वीडियो तो मैं आपको पूरी बना के दिखाऊंगा कि इसमें कैसे मैं इंस्टॉल करना है और कौन सी कार में मैं लगवा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कार है हमारे सामने खड़ी है फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम स्पोर्ट एडिशन, जो इंस्टॉलेशन आप वीडियो आराम से देखना, बाकी आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको क्या इंस्टॉल करना है कैसे नहीं। एक दोनों जैसे कि ये जो आप प्रोजेक्टर देख रहे हैं, इससे पहले मैंने अपनी कार अर्टिगा में लगवाया था, अब दूसरे प्रोजेक्टर में लगा रहा हूँ अपनी दूसरी गाड़ी जो कि फोर्ड एक्सपायर। तो उसमें भी मतलब यार लगा के मतलब चेक कर रहे हैं, मतलब चेक क्या कर रहे हैं, मुझे लगाना ही है। तो लगने के बाद गाड़ी कैसी लगती है कैसी नहीं आपको कम्प्लीट इस वीडियो में देखना। मतलब अभी जो नॉर्मल फॉग लैंप लगे हुए हैं वही कंपनी फिटेड जो कंपनी देती है, बोलते हैं क्या मिंडा के वगैरह जो भी होते हैं उस कंपनी के। लेकिन अब जो हम लगा रहे हैं तो ये है हमारे IPH कार प्रोजेक्टर जो कि कुछ इस टाइप की बैक्स पैकेजिंग। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी अर्टिगा वाली तो उसमें भी सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पे थोड़ा गाड़ी चेंज हो गई। बाकी IPH प्रोजेक्टर यहाँ पे सेम देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे IP23GR की बैजिंग देखने को मिलती है, बाकी कुछ इस टाइप का प्रोजेक्टर देखने को मिलता होगा। अंदर की बात की जाए इसमें क्या कुछ एसेसरीज हमें देखने को मिलती है, तो कुछ इस तरह के दो हमें देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें जो भी क्लम वगैरह सेफ्टी वाइज देखने को मिलते हैं कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्टर आपको कुछ देखने में कुछ ऐसा लगता है, और अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए समथिंग 1800 या 2000 के आसपास आपको मिल जाएगा कहीं अगर आप शॉप से परचेज करते हैं। बाकी अगर ऑनलाइन आप देखेंगे तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली देखने को मिलता है, समथिंग 3000 के आसपास ऑनलाइन आपको देखने को मिलता है। आप लोग सोच रहे हैं ये बायर किस चीज़ की है, ये बायर है लो बीम हाई बीम के लिए, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है अगर मैं आपको दिखाऊं पास से कुछ देखने में, यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वायर कनेक्ट होता है इस तरफ से, तो वही मतलब हमारा जैसे कि हेडलाइट हमारी लो बीम हाई बीम होती है, तो ये वायर अगर लग जाएंगे तो इन वायर की हेल्प से आपकी गाड़ी लो बीम में हाई बीम में आपका फॉग लैम्प भी वर्क करने लगेगा। और अगर दूसरा प्रोजेक्टर मैं आपको दिखाऊँ तो दूसरा प्रोजेक्टर भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलता है, सेम टू सेम वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है।
चलिए बाकी चलते हैं, इंस्टॉलेशन आपको दिखाते हैं कि बम्पर वगैरह खोलने के बाद इंस्टॉल होता है। देखे हमने फोर्ड को ही ले भी लगो इस पर सब गंदे हैं पता ना काले फोर्ड को ही है। अच्छा जी, लॉक जो टूटी हुई है। जो कोई वैल्यू होगा यार, वैल्यू करके है कोई कंपनी, पता नहीं कौन सी है कौन सी ना है। ये चाहे ऊपर कर दो, नहीं ये एक सेकंड को देखना पड़ेगा, नीचे नीचे रहेगा जी। हाँ नीचे ही है। हाँ वो तो ऊपर नहीं, वैसे आगे पीछे एडजस्ट तो बाद में भी हो जाएगा। बैठ जाएगा, ये 3 इंची है ना, ये भी ये वाला है गोल। अच्छा अच्छा वो है वैसा वाला ओवल से, तो गरम करो भाई। खाली इसके पता शेप में थोड़ा है फर्क ना, तो एक ही बार में आ जाता, जैसे एक फॉग लैंप लगने के बाद कुछ फॉग लैंप में आईपीएच प्रोजेक्टर लगने के बाद कुछ आता है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ थोड़ी ना, तो सिर्फ यहाँ पे लेंथ होता है और लेंथ से जो लाइट का थ्रो है वो चेंज होता रहा है। जैसे कि अगर इसमें लो बीम हाई बीम की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग दिख रहा होगा, जैसे कि ये जो स्प्रिंग दिख रहा है लेंस के अंदर, बस यही अप डाउन होता है, मतलब शटर इसका ऊपर नीचे होता है, बस वही हाई बीम हो जाती है, लो बीम हाई बीम। नॉर्मल तो लो बीम पे चलेगा, और जैसे हेडलाइट को अपने लोग करते हैं ना पासिंग के लिए हाई बीम, तुरंत इसका भी हाई बीम ऑन हो जाए, मतलब
रोड पे नाइट में अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और अभी चल रहा है ठंड का टाइम, तो फॉग में भी चलाने में गाड़ी ठीक ठाक लगती है। तो कुछ लोग ट्राई कलर IPS लेते हैं, तो उसमें तीन कलर होते हैं, येलो वाइट बॉम वाइट कुछ इस टाइप का, लेकिन इसमें बस ये आपको सिर्फ इसका खोल मिलता है, जो कि समथिंग जो भी प्राइसिंग है मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अंदर आपको LED देखने को मिलती है। यहाँ पे स्प्रिंग अगर मैं दिखाऊँ तो ये रहा, तो एक तो फिट हो गया है, बाकी दूसरा भैया फिट कर रहे हैं यहाँ पे। भाई उल्टा है ये, यार रोक और फिर हरे और कौन थे काले, हरे कालो है न लाल, हरो लाल काला
तार लंबा हो जाता यार है। चेक कर लो एक बार फिर से। क्यों भाई टेप थोड़ा लंबा है तार, कोई दिक्कत? टेप मार लो उसमें, बता दी थोड़ा है इधर उधर नहीं लपेट दो, टेप लगा दो थोड़ा बस। कभी चूजिया कुतल दे देने वाले तार जोड़ने में बड़ी टुकड़ा थी है काला। नहीं अपने आप ही गया इलेक्ट्रिशियन का काम। तुम्हारे भी जोड़ देंगे, घर पे जोड़ देंगे तुम्हारी, मतलब इधर उधर तक खोल के तार बढ़ा देंगे। तार ले लियो 4 मीटर अभी ना, तो चलेगी यार। आप देख लो एक बार, देख लो एक बार फिर ना चलेगी। तो ऐसे बैठी का ही हो रहे हैं, अगर पता उधर से करते तो दोनों तार छिलते हैं, इधर को भी उधर को भी, और इससे जो फायदा है एक ही तार छिले खाले। साकेट भी इसको बोल चुको है, एक बार चेक कर लो, तभी टेप मार दियो उस पर भी। चेक कर लो हाई बीम करो, बंद हो गया यार नीचे वाले जनाज ले नीचे। फॉग 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 बंद करते हैं, खोलो करो हाई बीम लो बीम, डिपर कर रहे हैं, करो दोबारा करो। सही है ना, ना ना ऑन करने पड़ेंगे फॉग लाइट, ऑन कर लोगे तब चलेंगे। ऑन करो आप करो, सही है। फॉग लैम्प इंस्टॉल होने के बाद तो कुछ ऐसा लुक हमें देखने को मिलता है, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं फॉग लैम्प प्रोजेक्टर, जो कि कुछ इस टाइप के लगते हैं। यहाँ पे जैसे अगर दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दूसरा आप देखेंगे साइड से करो, मतलब ये लगने के बाद थोड़ा LED या हैलोजन लैम्प जो भी लगता है उसकी मतलब थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है, रात में थ्रो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर लुक वाइज बात की जाए तो देखने में कुछ इस टाइप की लगती है। यहाँ पर जैसे कि जो हेडलाइट हैं वो यार एक बार खुल चुकी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा फॉग मतलब एकदम जम जाता, तो यार नाइट में चलाने में कुछ थोड़ी रोशनी कम पड़ती, तो इसके लिए हम लोगों ने फॉग लैम्प इंस्टॉल कराया था। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।